पास नंबर होंगे सर, या उनको आपको लगता है अजीत पवार पार्टी से निकाला जाएगा या उन्हें कहा जाएगा छोड़ने के लिए? सर क्या लगता है? चलो चलो पूरा चलो जाओ साहब। गणेश छगन भुजबल कुछ कहने को तैयार नहीं है। छगन भुजबल पार्टी के नेता वहां पर, विद्या हमारे साथ है, जल्दी से एक रिएक्शन वहां से मुनीश से ले लेते हैं। मुनीश, प्रफुल्ल पटेल गए, छगन भुजबल गए, सबके मुंह सिले हुए हैं इस वक्त। जी देखिए, दो तस्वीरें इसमें सामने निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले तो एनसीपी का कोई भी नेता कुछ बात करने को रेडी नहीं है। जो बात किया है कांग्रेस ने किया है, वो भी अहमद पटेल ने किया कि उनके साथ में दगा हुआ है। दूसरी जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है कि कम से कम जो बड़े नेता हैं एनसीपी के, वो शरद पवार के साथ में आए हुए हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो एनसीपी के नेता अजीत पवार के साथ में जाके सरकार बनाना चाहते हैं, आखिरकार वो कौन नेता है? क्योंकि जो अभी तक तस्वीर सामने यहाँ पर निकल कर आ रही है, वहाँ पर प्रफुल्ल पटेल, जितेंद्र अवार्ड, नवाब मलिक, ऐसे सारे नेता शरद पवार के साथ में यहाँ पर पहले से ही पहुंच चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी वो सूची भी जाहिर करेगी कि जो उनके चुने हुए 54 विधायक हैं उनमें से कितने अभी उनके साथ में हैं या कितने अजीत पवार के साथ में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इस महाराष्ट्र की राजनीति में एक पार्टी और एक परिवार दोनों को बिखेर कर रख दिया है, और इसमें फायदा होता नजर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का, जो कि सरकार बनाने के लिए अब फ्लोर टेस्ट को रेडी है। जी परिवार तो दो तूफान के घेरे में है इस वक्त, क्योंकि शिवसेना पर से नजर नहीं हटनी चाहिए। आशुतोष जी, शिवसेना पर से नजर नहीं हटनी चाहिए, और जो बात आलोक जी कह रहे थे उसी पर जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहती हूं कि उद्धव ठाकरे भी उस मकाम तक पहुंचे जब बीती रात संजय राउत ने खुलकर ये पुष्टि की कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनकी एक्सपोज हो गई, एक तरह से सामने आई खुल के। इसमें एक्सपोज जैसे शब्द का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है, खुलकर सामने आई। यानी ये जो अभी तक एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग थी कि हम नेता बनाते हैं, हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, से हटकर उद्धव ठाकरे खुलकर चुनावी रणनीति के अखाड़े में पहुंचे हुए थे, और देखिए आज सुबह क्या कहानी बन गई। देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये कि बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा, उद्धव ठाकरे ने जब आदित्य ठाकरे को चुनाव लड़ने के लिए कह दिया तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि अब आपको चुनावी राजनीति में उतरना पड़ेगा अगर शिवसेना को बचाना है। तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस खेल में शिवसेना एक्सपोज हुई है, कांग्रेस एक्सपोज हुई है, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि बीजेपी भी एक्सपोज हुई है। एन केन प्रकारेण रात के अंधेरे में हम खेल करके सरकार बनाने में हमें कोई गुरेज नहीं है। तो जो पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी वो आज नैतिकता की बात कैसे कर सकती? तो मैं संगीत रागी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि राजनीति ना तो मॉरल होता है ना इमॉरल होता है, राजनीति अमॉरल होता है, यानी उसमें कोई नैतिकता का फुट नहीं होता, उसमें नैतिकता का फुट नहीं होता। संगीत रागी जी जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो नैतिकता शब्द को डिक्शनरी से बाहर कर दे रहे हैं। जी मेरा कहना था कि विपक्ष को अब नैतिकता का सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है, क्योंकि वो सारी लोकतांत्रिक मर्यादाएं पार कर चुकी थी। यदि मुझे अपनी बात कंप्लीट कर देने दीजिए, आप उसके बाद बोलिएगा। मुझे लगता है कि आजाद भारत में आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरीके से खुला बंदर बांट होते हुए किसी ने नहीं देखा था कि 10-10 दिन तक आप खुला सत्ता के बंटवारे के लिए एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहे और इसके बावजूद भी सरकार नहीं बना पाए। और अब आप जाकर के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक शालीनता का पूरी तरह से परिचय दिया है। इस पूरे दौरान शिवसेना ने धोखेबाजी की, भारतीय जनता पार्टी ने दो सप्ताह तक विजय कृष्ण जी से प्रतिक्रिया पर ले लेते हैं। विजय कृष्ण जी, जो ये बात कह रहे हैं, इतनी देरी क्यों हुई? कहां बात अटक रही थी? नहीं मान रहे थे ना आपकी बात? वो दोनों मुख्यमंत्री वाली बात तो मान ली थी। ओम कश्यप जी, मुझे बात करने का बात है कि संगीत रागी जी, आज प्रजातंत्र व्यवस्था का खतरा लिया गया है, प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। मुझे बात करने दीजिए। संगीत रागी जी बीजेपी के मदद करते हुए बीजेपी की प्रशंसा कर रहे हैं, और ये जियोलॉजिस्ट बन के कैसे अर्थक्वेक को कंट्रोल कर सकते हैं, एक साइंटिस्ट बन चुके हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ ही दिन पहले नितिन गडकरी जी ने कहा है कि क्रिकेट में कौन जीत पाएगी हम बता नहीं सकते, आखिरी वक्त तक हम बता नहीं सकते। लेकिन आज में ये क्रिकेट खेल में क्या हुआ, राजनीतिक क्रिकेट खेल में क्या हुआ, एम्पायर भी बीजेपी के पास है, जो मैच देख रहे हैं बीजेपी के पास है, जो खेल रहे हैं वो भी बीजेपी के पास है, जो ये मैच फिक्सिंग करके प्रजातंत्र व्यवस्था को अपहास्य करके
धोखा दे के ठीक है प्रेम शुक्ला जी को बोलिए आप भी प्रेम शुक्ला को मत बोलिए आप ही सपोर्ट कर दीजिए बीजेपी का पक्ष रुकिए ना थोड़ा प्रेम शुक्ला को जवाब देने दीजिए ना एक सेकंड रागी जी रुकिए आप मत बोलिए उनके बिहाफ पे प्रेम शुक्ला जी जी प्लेयर भी आपके टीम आपकी है तो अंपायर भी आपका जी दूसरी पार्टी की भी टीम को अपनी तरफ कर लिया ईडी की तलवार है विजय कृष्णन जी का आरोप है जवाब दीजिए क्या वो कुछ भी आरोप लगाए आरोप एक लगाने का अकेला उनके पास अब बचा क्या है जो लोग महायुति में चुनाव लड़ते हैं जैसा मैंने कल रात में भी आपसे कहा था कि विवाह अमर से और हनीमून मनाने अकबर के साथ गए अब उनको अचानक लगा कि अकबर उनके साथ है ही नहीं तो ऐसी स्थिति में उनको इस तरह से परेशान होकर बौखलाहट भरी बयानबाजी के अलावा उनके पास क्या बचता है सवेरे रोज जो शायरी किया करते थे आदरणीय संजय राउत जी सवेरे 7:30 जो भी शेर क्या पढ़ा था उन्होंने और घंटे भर में उनका शेर कैसे बदल गया उनका शेर कैसे ढेर हुआ आपने देखा क्योंकि सत्ता के फेर में पड़कर वो चारों खाने चित्त हो गए ये राजनैतिक कीचक पर्व है ये राजनैतिक कीचक पर्व आपने किया है अभी आप बौखलाइए बवाल कीजिए महाभारत के बारे में कुछ चिल्लाइए चीखिए ये राजनैतिक कीचक पर्व है आपको प्रतिपक्ष को हटाना चाहिए जो जब आप गलत काम करते हैं आप न्याय के बारे में कह रहे हैं जब नैतिकता का पाठ भी हम लोग आपसे पढ़ना पड़ेगा कर्नाटक में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं आज पूरे देश के ऐसी 50 घटनाएं बताएंगे छोड़िए जी अजित पवार जी के शिवसेना प्रमुख की शिवसेना को तिलांजलि देने वाले आप नैतिकता का पाठ भी पढ़ाएंगे अपमान किया है आज इमेजिनरी फिगर्स जितेंद्र अवार्ड को आप देख रहे थे एक एक करके सभी नेता वहां पर पहुंच रहे हैं एनसीपी के क्या उनकी प्रतिक्रिया आती है इस पर हमारी नजर बनी हुई है शरद पवार ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है आपको जरा एक बार सुना देते हैं आज कैसे बीजेपी और शिवसेना के बीच जुबानी टकराव ये नवाब मलिक सुनाइए सुशील कुमार था कि इस राज्य के राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति है जो आरएसएस से आए हैं जो संस्कारी है और कानून का पालन करेंगे लेकिन अंधेरे में पाप होता है अंधेरे में डकैती और चोरी होती है अंधेरे में व्यभिचार होता है महाराष्ट्र की सरकार को जिस तरह से जल्दबाजी में अंधेरे में शपथ दिलाई गई ये छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता अजित पवार मैं देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं लूँगा वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं बीजेपी लेकिन अजित पवार और उनके साथ जो विधायक है ये सभी लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बदनाम किया है महाराष्ट्र की जनता का ये प्रेशर था कि जनादेश प्रमुख रूप से आपको भाजपा को मिला है जनादेश प्रमुख रूप से आपको देवेंद्र फडणवीस को मिला है तो आप क्यों ना सरकार बनाते हैं शिवसेना कुछ भी करने के लिए तैयार है हिंदुत्व छोड़ने के लिए तैयार है फिर शिव महाशिव आघाड़ी में किसे शिव निकालने के लिए तैयार है हाँ स्वतंत्र वीर सावरकर जी को भारत रत्न देना यह विषय छोड़ने के लिए तैयार है मातोश्री से उठकर सिल्वर ओक में जाने के लिए तैयार है तो फिर आप क्यों चुप बैठे हैं ऐसे सामान्य रिक्शा वाला घरों में काम करने वाली महिला पुष्टि थी इसलिए आज सुबह 8 बजे राजभवन में माननीय देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिए है और यह सरकार महाराष्ट्र की जनता को स्थिर सरकार देगी देखिए अजित पवार की क्या प्रतिक्रिया मुझे मालूम नहीं उनकी प्रतिक्रिया जो रिएक्शन है उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं कल 9 बजे तक ये महाशय हमारे साथ बैठे थे पूरी बातचीत में सक्रिय थे उन कोई सूचना भी कर रहे थे अचानक से वो गायब हो गए हमें थोड़ा संशय आया था उस बारे में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी क्योंकि वो नज़रों से नज़र मिलाकर नहीं बोल रहे थे जो व्यक्ति पाप करने जाता है उसकी नज़र जिस प्रकार से झुकती है वो झुकी हुई नज़रे से बात कर ठीक है बातचीत एक दिन के लिए आगे बढ़ गई उसका मतलब ये नहीं था लेकिन भारतीय जनता पक्ष ने राजभवन का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है फिर एक बार
ये इस देश के लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। 24 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा के रिजल्ट आने के बाद यह महाराष्ट्र की जनता की अपेक्षा थी कि महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति को जनादेश दिया है, उस जनादेश का इन सब लोगों ने आदर करना चाहिए, सरकार बनाना चाहिए। 80% से भी ज़्यादा किसान अब अड़चन में है तो लोगों की अपेक्षा थी, लेकिन ढाई ढाई साल वाला विषय निकालकर शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में नकार दिया। कभी बैठे ही नहीं, कभी बातचीत भी हुई नहीं, और बातचीत न करते हुए सारे ऑप्शन हमको खुले हैं, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा भारतीय जनता पार्टी के साथ, रिजल्ट के बाद एक बार भी सीटिंग नहीं हुई। मैं राज्य का अध्यक्ष हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, आज जिस तरह से सुबह महाराष्ट्र में शपथ विधि हुई है और जिस पत्र का आधार बनाकर सत्ता स्थापना की गई, वो विधायकों का पत्र का दुरुपयोग किया गया है। जो हाजिरी के लिए हमने दस्तखत लिए थे, उस दस्तखत को लेकर राज्यपाल महोदय के पास दिया गया, जिसके आधार पे ये शपथ ग्रहण हुआ है। 105 हमारे हैं और उसके बावजूद सभी इंडिपेंडेंट वो भी अभी हमारे साथ में है। मुझे लगता है 170 के ऊपर ये संख्या जाएगी। महाराष्ट्र में हम लोग अभी 5 साल स्थिर सरकार देंगे। सारे विधायकों का गट नेता जो देता है वो गिने चुने विधायकों का लेटर नहीं देता है, वो पूरे के पूरे उनके जो 54 जो भी विधायक है उनका सारे विधायकों का समर्थन का पत्र माननीय अजीत दादा पवार जो गट के नेता है उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस विधायक दल के, उन्होंने राज्यपाल जी को सौंपा है।